नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। कहते हैं आदमी की पहचान उसके जूतों से होती है। अब ये बात कितनी सही है इस पर कुछ भी कहना गलत होगा, लेकिन हाँ, आजकल लोग अपनी पर्सनालिटी को बढ़ाने और बरकरार रखने के लिए महंगे से महंगा जूता जरूर पहनते हैं। ऐसे में आज हम एक ऐसे जूते की बात करने वाले हैं जिसकी कीमत सुनकर आपको झटका लगना लाजमी, क्योंकि अब तक हमने कुछ ही हजारों के जूते देखे थे, लेकिन जिन जूतों की बात हम कर रहे हैं वो हजारों का नहीं बल्कि इसकी कीमत लाखों करोड़ों में। जी हाँ, यकीन नहीं हुआ। एक बार तो हमारे लिए भी इस पर यकीन कर पाना मुश्किल था, लेकिन दुनिया में ऐसे जूते मौजूद हैं जिनकी कीमत कुछ खास वजहों से लाखों और करोड़ों तक में। जानते हैं ऐसे ही कुछ खास जूतों के बारे में। एयर जॉर्डन्स। महान बास्केटबॉल खिलाड़ी माइकल जॉर्डन ने नेशनल बास्केटबॉल लीग मैच के दौरान एयर जॉर्डन जूते पहने थे, जिसकी कीमत उसे इस्तेमाल करने के बाद इतनी हो गई कि इस पर यकीन कर पाना आसान नहीं था, क्योंकि नीलामी में ये जूता 1,30,72,000 में बिका, जो कि बास्केटबॉल जूतों के लिए एक रिकॉर्ड राशि रही। सफेद, काले और लाल रंग के ये जूते माइकल जॉर्डन के लिए 1985 में बनाए गए थे। नाइकी। अमेरिका के मशहूर बास्केटबॉल खिलाड़ी माइकल जॉर्डन ने 1997 में एनबीए के फाइनल मैच में नाइकी के ये जूते पहने थे। इस ब्लैक एंड रेड शूज को 2013 में गजब की कीमत मिली, जिसमें इसकी कीमत 71,61,000 रुपए लगाई गई थी। एयर जॉर्डन। इन शूज की कहानी बास्केटबॉल से जुड़ी हुई। मशहूर रैपर ड्रेक 2014 के एक बास्केटबॉल मैच में इन जूतों में दिखे थे। मैच के बाद उन्होंने ये जूते फैन को दे दिए, जिसने बाद में इन्हें जबरदस्त कीमत पर बेच दिया था, जिसकी कीमत मिली 68,88,000 रुपए। नाइकी लिब्रॉन 15। दुनिया के बेहतरीन स्नीकर डिजाइनरों में से एक डोमिनिक चेम्ब्रॉन ने इसे अपने ब्रांड एम्बेसडर लिब्रॉन जेम्स के लिए डिजाइन किया था। इसे घड़ियाल की खाल से बनाया गया। 24 कैरेट गोल्ड और हीरे जड़े इस जूते की कीमत 68,87,000 लगाई गई थी। 2016 नाइकी एयर मैक। ये जूता 1989 में हॉलीवुड में बनी मूवी बैक टू द फ्यूचर 2 में दिखे जूते की कॉपी। इस मूवी को काफी पसंद किया गया था, इसीलिए बाकी ड्रेस के साथ जूते को भी पहचान मिली। 2016 एडिशन को स्टॉकएक्स वेबसाइट पर गजब रिस्पांस मिला, जिसकी नीलामी में कीमत 6,88,000 रुपए लगाई गई। अब ये खास जूते आपको कितने पसंद आए ये कमेंट कर हमें जरूर बताएं।